स्क्रीन आप शेयर कर रहा हूँ, सही है? आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही होगी जिसमें मैंने ये सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है। कोई एक बच्चा मुझे टेक्स्ट बॉक्स पे कंफर्म कर दे कि स्क्रीन उसको विजिबल है या नहीं है, ताकि फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ। ठीक है, विजिबल है। अच्छा भाई, अब देखें। ठीक है ठीक है, बस विजिबल है, ओके। अब आज की जो लैब है, बेसिकली लैब नंबर एट के अंदर बेसिकली हमें कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, जो हम लोगों ने प्रीवियस लैब में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर होता क्या है, काम किस तरीके से करता है और क्या क्या इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस लैब की अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, तो जो अपनी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर था, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के सारे कॉम्पोनेंट्स की जो वैल्यूज़ थी, कॉम्पोनेंट्स से मुराद ये है कि इसका जो जो मेरे पास रजिस्टर लगे हुए हैं, जो कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं, उन सब की वैल्यूज़ प्री डिटरमिंड थी या प्री डिफाइंड थी। तो मुझे जो वैल्यूज़ दी गई, मैंने उस लिहाज से अपने सर्किट को इम्प्लीमेंट किया, सॉफ्टवेयर पर भी और हार्डवेयर पर भी, और इस लिहाज से मैंने उसका रिस्पॉन्स वगैरह जो भी है वो चेक कर लिया, सही। बट आज की जो लैब है, आज की लैब के अंदर बेसिकली हमें करना ये है कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करना है। फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करने से मुराद ये है कि हमें एक एक कॉम्पोनेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली या उसको कैलकुलेशंस के ज़रिए से हमने वेरीफाई करते करते एक पूरा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो है वो डिज़ाइन करना है, सही। तो ये बेसिकली आज की लैब है कि हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, सही। अच्छा, अब आ जाएंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। अब हमें पता है कि बेसिकली ट्रांजिस्टर की तीन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिसमें हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास लिखी हुई पहली जो है वो कौन सी है, कॉमन बेस। कॉमन बेस जो है उसकी एप्लीकेशन ये होती है कि इट प्रोवाइड्स हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज गेन, बट करंट गेन इसका नेगलिजिबल या जीरो होता है। इसी तरीके से मेरे पास कॉमन कलेक्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इसका बिल्कुल उलट होती है, और वो एक्सट्रीमली हाई करंट गेन प्रोवाइड कर रही है बट वोल्टेज गेन वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही। अब हमें हमारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि हम ये चाहते हैं कि मेरे पास वोल्टेज गेन भी आए और साथ साथ करंट गेन भी आए, दोनों बहुत ज़्यादा ना आए बट एक मॉडरेट सी या मीडियम सी बीच की एक वैल्यू मिल जाए हमें। इसीलिए हम लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारे पास जो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की कन्फिग्रेशन है वो जो है वो वाइडली यूज कन्फिग्रेशन क्यों है, क्योंकि इस कन्फिग्रेशन के अंदर मेरे पास करंट भी एम्पलीफाई हो रहा है और साथ साथ मेरा वोल्टेज भी एम्पलीफाई हो रहा है। जब मुझे दोनों चीज़ें अचीव हो रही हैं, दोनों मुझे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, तभी हम ऐसे कन्फिग्रेशन को ज़्यादा फोकियत देते हैं, सही। इसीलिए हमारे पास जो वाइडली एक्सेप्टेबल या वाइडली यूज कन्फिग्रेशन है डैट इज़ अ कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन, सही। ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, ये हमने कि हमारे पास उसमें एप्लीकेशन की आवाज़ बंद कर लें भाई, कौन है ये, आवाज़ बंद कर लें अपनी। अच्छा, मगर हमारा जो डोमेन है, हमारा डोमेन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, हमारा डोमेन रिवॉल्व कर रहा है कि हमें करंट भी की एम्पलीफिकेशन भी चाहिए और साथ साथ वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन भी चाहिए, तभी वी आर प्रिफरिंग द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। अब कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के हमारे पास दो एनालिसिस होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंपल डीसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस से क्या मुराद है, व्हेन द सर्किट इज बायस्ड विद डीसी वोल्टेजेस ओनली टू एस्टेब्लिश अ सर्टेन क्यू पॉइंट। जब मैं सर्किट का डीसी एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या कौन है ये, ठीक है, जब मैं अपने सर्किट का डीसी एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एट दैट मोमेंट क्या मैं करंट और वोल्टेज दोनों को एम्पलीफाई कर रहा हूँ, नहीं। जब मैं डीसी एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो एट दैट मोमेंट जब मैं डीसी वोल्टेज अपने सर्किट को प्रोवाइड कर रहा हूँ या अपने ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एट दैट मोमेंट आई एम ओनली केपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग द करंट, ठीक है। मेरे पास इनपुट करंट कौन सा है, बेस करंट है, जो कि माइक्रो एम्पीयर की टर्म में आ रहा होता है, बट आउटपुट करंट जो मेरा कलेक्टर टू इमिटर फ्लो कर रहा है वो मिली एम्पीयर्स ये हज़ार गुना ज़्यादा है। इस लिहाज से मैंने ये कह दिया कि मेरे पास जो करंट की एम्पलीफिकेशन है वो जब मैं डीसी बायसिंग कर रहा हूँगा तब मुझे अचीव हो जाएगी, सही। हाँ,
जब मैंने अपने सर्किट को एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है कि एक सर्टन फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हमारा एम्पलीफायर काम कर रहा होता है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी और फ्रीक्वेंसी या तो बहुत ज़्यादा होगी तब भी काम नहीं करेगा। बट ये बात कन्फर्म है कि जब मैं एसी सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ अपने सर्किट को, तो एट दैट मोमेंट आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग द वोल्टेज। यहाँ पे लिखा हुआ भी है व्हेन एसी सप्लाई इज कनेक्टेड क्या मेरे पास एम्पलीफाइज द वोल्टेज एज वेल। सही, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की, वो ये है कि मेरे पास इस इनपुट वेव फॉर्म को देखें और आउटपुट वेव फॉर्म को देखें। आउटपुट वेव फॉर्म के अंदर दो खसूसियात हैं, दो खसूसियात क्या क्या है कि पहली बात यह है कि आउटपुट इज एम्पलीफाइड, एक तो एम्पलीफाइड है, दूसरा फेज शिफ्ट आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भी आ रहा है साथ साथ। तो ये बेसिकली कॉमन इमिटर एम्पलीफायर एज अ वोल्टेज एम्पलीफायर अगर काम कर रहा है तो इसके ये दो खसूसियत होती हैं। सही, अब कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर का मतलब ये है कि इमिटर टर्मिनल को मैंने कॉमन किया हुआ है या ग्राउंड किया हुआ है, और दोनों बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इसको हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, जब भी इसको हम कहते हैं कॉमन इमिटर। इनपुट जो है वो अप्लाई करते हैं हम एट द बेस टर्मिनल, और आउटपुट कहाँ से ले रहे होते हैं, फ्रॉम द कनेक्टर टर्मिनल। सही, तो बेसिकली क्या होता है कि इनपुट को मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेस पे, आउटपुट में अचीव कर रहा हूँ कनेक्टर से, और मेरा इमिटर टर्मिनल है। माइक्रोफोन प्लीज बंद कर लेगा जब कॉल के अंदर एंटर हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की, वो देख लेते हैं। मेरे पास वोल्टेज गेन जो है इसका वो मीडियम या मॉडरेट होता है, जिस तरीके से मैंने अभी बात की आपसे। करंट गेन मेरे पास मीडियम होता है, और पावर गेन जो होता है वो अच्छा खासा होता है इसका। सही, इनपुट आउटपुट का फेज रिलेशनशिप क्या होता है, 180 डिग्री। कौन है ये जो बातें कर रहा है? हाँ, और इनपुट इम्पीडेंस मेरे पास मॉडरेट होती है इस तरीके से आउटपुट इम्पीडेंस। अब ये देखते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस की क्या कहानी है। अच्छा, अटेंडेंस अभी रहने दे, मैं एंड में ले लूँगा। अच्छा, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस इज टिपिकली अराउंड 1 kΩ एंड कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सर्किट वैल्यूज एंड कंडीशंस। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि मेरे पास जो इनपुट है वो अप्लाई हो रहा है बेस टर्मिनल पे, और इमिटर टर्मिनल भी बेसिकली शेयर हो रहा है क्योंकि कॉमन इमिटर टर्मिनल है, तो बेस इमिटर टर्मिनल क्योंकि फॉरवर्ड बायस होता है, तो फॉरवर्ड बायस पार्ट जो क्योंकि करंट ज़्यादा कंडक्ट कर रहा होता है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि मेरे पास जो इनपुट इम्पीडेंस है दैट इज अ सर्टन स्मॉलर इम्पीडेंस। सही, क्योंकि जो बेस इमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है, कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे पास जो कलेक्टर इमिटर जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है, तभी आउटपुट इम्पीडेंस एज कम्पेयर टू इनपुट इम्पीडेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सही, अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं वोल्टेज एंड करंट गेन। बीटा मेरे पास करंट गेन होता है बीटा डीसी, जो क्या होता है IC अपॉन IB। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बीटा क्या होता है IC अपॉन IB। अच्छा, बीटा क्या है, इमेजेस क्यों शेयर, क्या हो रहा है, कि सैफ राजपूत क्या इमेज शेयर कर रहे हैं आप? क्या हो गया भाई, इतने इमेजेस क्यों शेयर कर रहे हैं? अच्छा, बीटा मेरे पास क्या होता है, बीटा मेरे पास IC अपॉन IB होता है। अब IC को अगर मैं फर्दर तो और तोड़ूं तो करंट क्या होता है, VC अपॉन RC। सही, और IB मेरे पास अगर इसी को मैं ब्रेक करूं तो वो I क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, तो IB क्या हो गया, VB अपॉन RB। इसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या हो गया, VC अपॉन RC मल्टीप्लाई बाय RB अपॉन VB। मेरे पास AV क्या होता है, AV बेसिकली आपके पास है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या है, VC डिवाइडेड बाय VB। सही, तो मेरे पास ये आ गया बीटा बराबर है AV मल्टीप्लाई बाय RP अपॉन RC। जी, ये PDF मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मैंने AV को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया, तो
बीटा जो था मेरे पास करंट गेन वो तो मेरे पास था आई सी अपॉन आई बी, बट मेरे पास वोल्टेज गेन जो है, वोल्टेज गेन क्या है, वोल्टेज गेन बराबर है बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी। इसका मतलब ये है कि आपके पास वोल्टेज गेन के अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं, बीटा जो कि हर डिवाइस का कॉन्स्टेंट होता है, आर सी दैट इज़ योर कलेक्टर रेजिस्टेंस, और आर बी विच इज़ योर बेस रेजिस्टेंस। सही, ये चीज़ हमने देख ली। अच्छा अभी आपके पास ये जो है ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का सर्किट है जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ पर मेरे पास क्या है, ये मेरा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है बीच के अंदर, ठीक है, ये मेरे पास इनपुट लगी हुई है, इनपुट का कौन सी है, इसके बाद प्लीज़ अपने माइक मत खोला करें, जब जब कोई ज़रूरत हो तो तब खोला करें, पूरी जो बीच में टेम्पो है वो टूट जाता है इस चक्कर में जी। अभी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो मेरा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास मेरी एसी सोर्स है। अच्छा कौन कॉल से रिमूव कर रहा है दूसरे को, ये क्या हो रहा है ये, भैया अगर जिसको मसला है, जिसको क्लास नहीं लेनी वो जा सकता है, मैंने ज़बरदस्ती नहीं रोका हुआ आप लोगों को, अटेंडेंस सबकी लग जाएगी और वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको, जिसको क्लास में तंग करना है, जिसको बदतमीज़ी करनी है वो जा सकता है क्लास से, मैं भी नहीं पढ़ाता फिर, आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कोई यहाँ तफरी मजाक थोड़ी चल रहा है। अच्छा इसके बाद मैंने क्या किया हुआ, मैंने इसको बाइस किया हुआ यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर बाइस, ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने दोनों जगह आर टू लिख दिया है, ऊपर वाला आर वन होता है, नीचे वाला आर टू होता है। अच्छा ये मेरे पास आर सी है कलेक्टर रेजिस्टेंस, ये मेरे पास आर ई है इमिटर रेजिस्टेंस, और ये मेरे पास है सी वन सी टू और सी थ्री, जहाँ पर मेरे पास सी वन और सी टू जो हैं ये बेसिकली क्या है, ये मेरे पास ए सी कपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं, सी थ्री मेरे पास बाईपास कैपेसिटर होता है, ठीक है। इस नेक्स्ट पूरे पैराग्राफ के अंदर मैंने इन सब का फंक्शन लिखा हुआ है कि जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं जो इस लैब के अंदर हमें फाइंड आउट करने हैं, उनको फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंने कंपोनेंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं या जो इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, इनका पर्पज़ क्या है या इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं इनका पर्पज़ या फंक्शन को पढ़ने के लिए। पहली चीज़ वो कह रहा है कि आर वन आर टू क्या कर रहे हैं, आर वन आर टू क्या है, आर वन आर टू बेसिकली दो रजिस्टर हैं जो उसके बेस पर उसमें लगे हुए हैं एज अ वोल्टेज डिवाइडर, सही। तो आर वन आर टू वो कह रहा है दीस रजिस्टर्स प्रोवाइड द बाइसिंग फॉर द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, बाइसिंग वोल्टेज या बाइसिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं ट्रांजिस्टर की, ठीक है, बट उसमें जो सबसे स्टेबल टेक्निक है, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल टेक्निक है वो कौन सी है, वो है आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बाइस, जिसके अंदर हम लोग ने क्या किया हुआ है कि वोल्टेज डिवाइड करने के लिए दो रेजिस्टर्स आपस में लगाए हुए हैं सीरीज के अंदर, क्योंकि वोल्टेज कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सीरीज पाथ में हो रहा होता है, पैरेलल में थोड़ी डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड हो रहा होता है, सही। तो हमने क्या किया हुआ है, आर वन आर टू ऐसे दो लगाए हुए हैं रेजिस्टर्स दैट प्रोवाइड्स द बाइसिंग वोल्टेज फॉर द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। उसके बाद मेरे पास आर सी क्या है, आर सी बेसिकली क्या है, कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस। उसके बाद आर ई क्या है, आर ई बेसिकली हम लोग प्रीवियसली पढ़ते ही थे कि आर ई जो है बेसिकली एक इमिटर की रेजिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें, इमिटर रेजिस्टेंस इन द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इंश्योर्स दैट द डीसी कंडीशंस आर मेट बाय प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट फीडबैक, बेसिकली कर ये रहे जी। अभी किसने माइक खोल लिया, अच्छा इमिटर रेजिस्टर बेसिकली क्या कर रहा है कि इट इंश्योर्स दैट द डीसी कंडीशंस आर मेट बाय प्रोवाइडिंग अ सर्टेन फीडबैक, कि बेसिकली कर ये रहा है कि इमिटर रेजिस्टेंस की खासियत ये होती है कि ये जो है आपके पूरे जो ओवरऑल सर्किट है उसको एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, फीडबैक किस चीज़ का, फीडबैक इस चीज़ का प्रोवाइड कर रहा है कि जो आपका बाइसिंग वोल्टेज है आया इज इट इज एट अ सर्टेन नॉमिनल लेवल और नॉट, ठीक है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मेरे पास इमिटर रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद मेरे पास क्या है C1 और C2, जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो सर्किट है इसके अंदर AC सप्लाई भी आ रही है और बर वक्त DC सप्लाई भी आ रही है, अब इन दोनों सप्लाई को हमें क्या करना है, इन दोनों सप्लाई को हमें आपस में मर्ज होने से बचाना है,
या दोनों को हमें आइसोलेट करना है, सही। तो इसलिए मेरे पास C1 और C2 ये बेसिकली ऐसे कैपेसिटर्स हैं दैट प्रोवाइड एसी कपलिंग बिटवीन द स्टेजेस, सही। और इनकी वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उस फ्रीक्वेंसी पे मुझे ये तंग ना करें। जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने बात की कि अगर मैंने अपनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बहुत कम किया, फर्ज करें मैं ले रहा हूँ 50 हर्ट्ज़ या 40 हर्ट्ज़ या 30 हर्ट्ज़, जो कि बहुत कम है, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो मेरे पास XC जो कि मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक पाथ की कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होगी, होगा ये कि क्या वो एज अ ओपन पाथ एक्ट करेगा या एज अ क्लोज पाथ? ऑब्वियस ही बात है एज अ ओपन पाथ, क्योंकि ओपन पाथ की इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया, अगर फ्रीक्वेंसी को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया तो होगा क्या कि मेरे पास XC जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। XC अगर कम होगा तो पाथ क्या होगा, पाथ बेसिकली क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो हमें ना फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ानी है ना फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा कम करना है, हमें इसको एक ऐसी ऑप्टिमम वैल्यू पर रखना है जहाँ पर XC मेरे पास जो है वो एक बीच की मॉडरेट वैल्यू आ जाए, सही। ये चीज़ हो गई। उसके बाद मेरे पास एक और कैपेसिटर है, इसको हम कहते हैं C3, जो कि इमिटर रेजिस्टर के पैरेलल में लगा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं बाईपास कैपेसिटर, सही। अब इसका क्या फंक्शन है? दिस इज द बाईपास कैपेसिटर। अब हमें पता है कि RE जो है, RE बेसिकली क्या मसला है, माइक मत खोलें, आपको मना किया है मैंने माइक खोलने से। जब सवाल जवाब का सेशन होगा उस वक्त माइक खोलिएगा। अच्छा, अभी हमने ये बात पढ़ी कि मेरे पास RE या एमिटर रेजिस्टेंस जो होती है वो सर्किट के अंदर एक फीडबैक प्रोवाइड कर रही है ताकि आपके पास बायसिंग वोल्टेज जो है वो अच्छा रहे। बट जहाँ एक चीज़ का फ़ायदा है वहाँ पे इस चीज़ का नुकसान भी है। क्या? कि बेसिकली ये जो है ओवरऑल सर्किट के गेन को, वोल्टेज गेन को रिड्यूस कर या करंट गेन को रिड्यूस कर रही होती है, सही, या वोल्टेज गेन को भी रिड्यूस कर रही होती है। बाईपास कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर का फंक्शन ये होता है कि ये इस रेजिस्टर को बाईपास करके करंट को एक लेस रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करता है ताकि वो जो है ओवरऑल जो इसका गेन है वो हम बढ़ा सकें, सही। अच्छा, अब आ जाए कि अब हमें बेसिकली करना ये है कि अब हम जा रहे हैं डिज़ाइनिंग की तरफ, ठीक है। अब इन स्टेप्स को आपको बहुत गौर से समझना है, क्योंकि ये स्टेप्स फिर आपको अपने पास इम्प्लीमेंट करके मुझे सारी वर्किंग। ये कौन रिमूव कर रहा है दूसरे को? ये बचकाना हर कहते जाना, बंद कर दो अब, समझ आ रही है? अगर इतनी हिम्मत है तो सामने से आके बात करो, ये पीछे से रिमूव करने का फायदा नहीं किसी को, खत्म ही हो नहीं बचकाना हरकत आप लोगों की। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब बेसिकली हमें एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को डिज़ाइन करना है, सही। अब डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब आपको मैं वो स्टेप्स जो हैं पहले एक दफ़ा समझाऊंगा, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया हुआ है, फिर मैं आपको उस एग्जांपल से उस स्टेप्स को वेरीफाई भी कराऊंगा, सही। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये है कि आपको RC को डिटरमिन करना है। पहला स्टेप ये है किसी भी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट को डिज़ाइन करने का, कि आपको करना ये होता है कि आपको कलेक्टर रेजिस्टेंस को निकालना है कि आपके पास RC कितनी है। उसके लिए कुछ इसने चीज़ें सपोज की हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, वो ये कह रहा है, ये पहला काम ये करो कि ये चीज़ अपने पास जहन में जहन नशीन कर लो कि जो RC के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, RC के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम शो करते हैं VRC से, डैट इज 0.5 × VCC। समझ आ रही बात? VCC आपने रखा फर्स्ट करें 15 वोल्ट, तो हमने ये चीज़ पहले से डिसाइड की हुई है कि VRC VCC का आधा होगा। 15 है तो वहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा होगा, 7.5। 20 है तो वहाँ कितना ड्रॉप हो रहा होगा, 10। 25 है तो 12.5। इस तरीके से ये एक रिलेशन हमने फिक्स किया हुआ है कि मेरे पास जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस VRC है, डैट इज 0.5 × VCC। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख भी दिया कि VRC जो है वो बराबर है 0.5 ×
VCC के. और मैंने एक चीज़ पहले से अज्यूम ये की हुई है कि कलेक्टर करंट जो मेरे पास फ्लो कर रहा है वो कितना है, वो मेरे पास है IC बराबर है 5 mA. सही. तो जब मुझे VRC पता है, क्योंकि मैंने VCC खुद बताऊंगा सर्किट में, VCC मैंने रख दिया 20 volts, तो VRC कितना हो गया 0.5 × 20 कितना होता है 10 volts. अभी कंफ्यूज मत हो, ये सारी कैलकुलेशन मैंने आगे की हुई है, तो आपको मैं वापस जब कैलकुलेशन करवाऊंगा इसकी तो उससे समझ आ जाएगा. बट अभी इस बात को क्लियर रखें कि पहला स्टेप क्या होता है. पहला स्टेप ये होता है कि आपको RC निकालना है. RC निकालने के लिए RC क्या होता है, RC की बेसिकली क्या है, करेक्टर की रेजिस्टेंस. RC निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, VRC और IC, और दोनों चीज़ें आपने अज्यूम की हुई हैं. IC 5 mA अज्यूम किया हुआ है, VRC आपने अज्यूम किया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाई बाय VCC. VCC कितना भी रखेंगे उसका आधा वोल्टेज हमें यहाँ पे ड्रॉप करना है. समझ आ रही है? तो ये भी हम आगे देखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको निकालना है IB और IE. अच्छा, अब IB और IE निकालने के लिए हमें पता है कि मेरे पास जो मोस्टली ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनका जो बीटा होता है, जो कि बेसिकली क्या है, DC करंट का गेन, वो अराउंड 100 ही हम ले रहे होते हैं. 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, 120, 130, 150, बट एवरेज, ऑन एवरेज जो हम लोग बीटा लेते हैं वो क्या होता है, 100 ले रहे होते हैं हम लोग. बीटा मुझे पता है कि वो क्या बराबर, किसके बराबर है, IC/IB. प्रीवियस स्टेप में हम लोगों ने IC 5 mA अज्यूम किया हुआ, बीटा भी हमने 100 अज्यूम कर लिया, तो हम यहाँ से बआसानी IB और IE निकाल सकते हैं. सही. तो स्टेप टू तो बहुत आसान है. स्टेप टू के अंदर आपने क्या किया, IB और IE निकाल लिया. तो इस वक्त तक आपके पास तीन चीज़ें आ गई, RC निकाल लिया, IB आ गया, IE आ गया, IC आपको पता है, और VRC भी आपको पता है, और VCC भी पता है आपको. समझ आ गई? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, स्टेप नंबर 3 पे, जहाँ पर हमें निकालना है RE और VE. RE क्या है, RE मेरे पास इमिटर की रेजिस्टेंस है जो मैंने बाहर से कनेक्ट की हुई है, और VE क्या है, इमिटर का वोल्टेज. अच्छा, इसके लिए हमने एक चीज़ जो पहले से अज्यूम की हुई है, वो ये अज्यूम की हुई है कि मेरे पास जो VRE है वो वोल्टेज ड्रॉप जो RE के अक्रॉस अकर कर रहा है, डैट इज़ अराउंड 0.6 volts. सही. ये क्यों 0.6 अज्यूम किया हुआ है, इसकी भी एक ख़ास रीज़न होता है जो हम लोग जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसको 0.6 क्यों लिया. सही. अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि अब आपने RE और VE निकालना है. अब मुझे मेरे पास प्रीवियस स्टेप नंबर 2 में IE आया हुआ है मेरे पास, और VRE मैंने 0.6 अज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ से मैंने RE निकाल लिया. RE कैसे निकाला, VRE/IE. समझ आ गई? तो यहाँ से मेरे पास RE आ गया. अब मुझे निकालना है VE. मुझे पता है कि फॉर कंडक्शन टू अकर VBE 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो VBE कितना है, 0.7. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से किया कि VB माइनस VE जो है वो 0.7 होता है. अच्छा, मोस्ट केसेस में होता ये है कि हम लोग जो VE होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग VRE अज्यूम कर रहे होते हैं. सही है. तो मेरे पास जो VE की वैल्यू है VRE की वैल्यू 0.6, वही मेरे पास एक्चुअली VE की भी वैल्यू है. समझ आ गई? बट मैंने यहाँ से क्या किया, सिर्फ मैंने VB निकाल लिया, जो कि कितना आ रहा है, 0.7 प्लस 0.6 अराउंड 1.3 volts. सही. तो यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने RE भी निकाल लिया, VE भी निकाल लिया, और साथ साथ VB भी निकाल लिया. तीन चीज़ें निकाल ली हम लोगों ने. ठीक है, अब आ जाएं नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा क्रिटिकल है. इस स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, R1 और R2 जो हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर बाइस के लिए हमने दो रेजिस्टर लगाए हुए हैं R1 और R2, अब हमें उनकी वैल्यू निकालनी है. अच्छा, उनकी वैल्यू थोड़ा सा स्टेप्स मुश्किल तो नहीं है, बट आसान से स्टेप्स हैं, समझने पड़ेंगे आपको. उसके लिए आपको एक चीज़ बताई हुई है इसने कि RIN जो वैल्यू है, RIN क्या है, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो हमें इसने दी हुई है 4 kΩ. इनपुट इम्पीडेंस जो होती है वह उसकी कम ही होती है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास IB को अगर फ्लो करवाना है
तो इम्पीडेंस मुझे कम ही रखनी पड़ेगी। अगर मैंने इम्पीडेंस को बहुत ज़्यादा रख लिया तो क्या मेरे पास आई बी या बेस करंट बेस के अंदर फ्लो करेगा? नहीं। इसीलिए इनपुट इम्पीडेंस अराउंड 5 किलो से कम कम ही रखी जाती है। तो यहाँ पर कितनी रखी हुई मैंने, आर इन रखी हुई है 4 किलो ओम्स, सही। अच्छा, अब आर वन और आर टू निकालने के लिए पहला काम ये करना होता है कि हमें एक वैल्यू निकालनी है जिसको हम कहते हैं आर पाए, सही। आर पाई बेसिकली एक वैल्यू है, अभी इसको इसकी डिटेल्स में नहीं जाते कि ये क्या चीज़ है, बस आपको ये निकालनी है, ठीक है। आर पाई निकालने का फॉर्मूला क्या है? बीटा मल्टीप्लाई बाय वी टी या थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई सी। तो पहला स्टेप तो बहुत आसान है, बीटा आपको पता है 100 आ रहा है, आई सी हमने 5 mA रज्यूम किया हुआ है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 होता है, सही। तो मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई, इससे मैंने निकाल लिया आर पाए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट निकालना है मुझे वो है आर इनपुट बेस डीसी। इसका फॉर्मूला क्या है? इसको हम कहते हैं आर आई बी डीसी। इसका फॉर्मूला है आर पाए प्लस बीटा प्लस 1 इंटू आर ई। आर ई जी क्या हुआ? माइक कौन बोल रहा है बीच में? बीटी आपके पास क्या होता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। एक मिनट रुके, लेट मी चेक। सॉरी थर्मल वोल्ट, एक मिनट एक मिनट। VT is not thermal voltage, VT is threshold voltage, सही है। तो VT is not a thermal voltage, it is a threshold voltage। मेरी बात तो ये क्लियर करें अपने आपकी, मैं बता रहा हूँ, रुक जाए। मेरे पास जो VT होता है वो बेसिकली एक मिनट रुके, हाँ थर्मल वोल्टेज भी अलग चीज़ होती है, बट थर्मल वोल्टेज का भी ये डिस्कशन हम इसमें कर नहीं रहे ना, हम लोग उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह रहे हैं। वीटी दोनों होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, वीटीएच भी कहते हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही गलती कर दी, मुझे वी टी एच लिखना चाहिए था क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसको थर्मल वोल्टेज से। तो वी टी इज थर्मल वोल्टेज, बट वी टी एच जो मुझे वी टी एच यहाँ पर लिखना चाहिए था, डैट इज बेसिकली योर यार 0.7 ही यहाँ पे शो कर रहा है मेरे पास। तो वेट, लेट मी वेरीफाई वंस अगेन, क्या इसका वोल्टेज होता है? हाँ 0.7 ही होता है, ठीक है, इट इज 0.7, सही। थर्मल वोल्टेज बेसिकली अलग चीज़ होती है, थर्मल वोल्टेज का हमें जिक्र अभी यहाँ पे कर नहीं रहा कि ये थर्मल वोल्टेज क्या होता है, वो आपकी बात ठीक है, इट इज़ इन मिली वोल्ट्स, बट हम लोग बात कर रहे हैं थ्रेश होल्ड वोल्टेज। थ्रेश होल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज बेसिकली वो वोल्टेज होता है जो आपको चाहिए होता है, जो आपको ओवरकम करना पड़ता है टू इनेबल कंडक्शन। आई बात समझ? अब देखो, अब जब हमें आर वन और आर टू निकालने, तो कॉमन सेंस की बात है कि आर वन और आर टू निकालने के दौरान मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है? मुझे ये फोकस करना है कि क्या मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज को ओवरकम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, सही। क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आर वन और आर टू के जरिए अपने ट्रांजिस्टर को बायस कर रहा हूँ। तो बायसिंग के दौरान या जब बायसिंग की टेक्निक चल रही होती है उस वक्त मेरा जो कंसर्न है डैट इसकी कंडक्शन इनेबल हो रही है, आई बी फ्लो कर रहा है अंदर नहीं कर रहा, और आई बी फ्लो करने की शर्त ही यही होती है कि मेरे पास जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वी बी ई का क्या है 0.7 ना, जब तक वो ओवरकम नहीं होगा मैं कैसे कंडक्शन इनेबल करूँगा। इज दिस पॉइंट क्लियर विद एवरी वन?
उस्मान क्लियर है आपको ये पॉइंट जो आप पूछ रहे थे? सही। तो मेरे पास वी टी जो है ये बेसिकली मेरे पास थ्रेश होल्ड वोल्टेज है, नॉट थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज इज समथिंग एल्स। नो सर, क्या क्लियर नहीं है? सवाल पूछें अपना, सवाल पूछें ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। सवाल पूछ लें उस्मान, अगर पूछना है आपको तो नो इशू। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आपको मिस ने इसी फॉर्मूले में 25 मिली वोल्ट पुट करवाया था, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पहले किया हुआ है क्लास के अंदर? सर ये हमने इसी टू में सॉल्व किए थे। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है फिर एक काम करते हैं, मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो तो हम इसको 25 मिली वोल्ट्स या थर्मल वोल्टेज भी इसको कंसिडर कर लेते हैं। चलें ठीक है, हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई, मैंने कुछ और देख लिया उसमें। ठीक है सर, इसको हम 25 मिली वोल्ट्स ही अज्यूम करते हैं फिर। सही है। फिर हमने क्या किया, हमने निकाल लिया आर आई बी डी सी जो कि बराबर है आर पाई प्लस बीटा वन बीटा प्लस वन आर ई के। अच्छा ये आप लोगों ने पहले किए हैं सारे फॉर्मूले, तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमें निकालना है आर बी बी। आर एन डी सी हमें पता है 4 किलो ओम्स, आर आई बी हम निकाल चुके हैं। आर आई बी का और आर बी बी का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है दिस गिव्स अस आर एन डी सी। सही, तो मैंने यहाँ से आर बी बी निकाल लिया। आर बी बी निकालने के बाद मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, वी बी बी, क्योंकि मेरे पास वी बी भी है, आई बी भी है, आर बी बी भी है, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, बेस स्पाइसिंग वोल्टेज। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या निकालना है, एंड में आके आर टू वी सी सी मुझे पता है, वी बी भी पता है। आर टू और आर वन निकालने के लिए पहले किसी एक चीज़ को अज्यूम कर लें। मैं अज्यूम ये करता हूँ कि मैं आर वन को ले रहा हूँ 1 किलो ओम्स। 1 किलो ओम्स लेने के बाद आपने आर टू निकाल लेना यहाँ से। सही, दोनों चीज़ें एक साथ अननोन नहीं निकल सकती, पहले आपको किसी एक चीज़ को अज्यूम करना पड़ेगा लाजमी। अच्छा अब आ जाएं, अब जो कपलिंग कैपेसिटर्स हैं उन्हें हमें साइज करना है। कैपेसिटर की जो रिएक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो क्या होती है, 1/2πfC1। सही, अब हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास इम्पीडेंस जो है वो हमें रखनी है नियर टू 1 ओम्स और फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है 10 किलोहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी पता है, जेड पता है, तो यहाँ से मैंने C1 निकाल लिया। C1 कितना आ गया मेरे पास, C1 मेरे पास अभी मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा कितना आ रहा है। C1 इतना आ गया। CE जो है जो कि बाईपास कैपेसिटर है मीटर का, दिस शुड बी 10 टाइम्स हायर देन C1। जो अगर C1 आपके पास आ गया तो उससे आप CE भी आसानी निकाल सकते हैं। सही, हाँ ये अभी मैं जब आपको कैलकुलेशन अभी करके दिखाऊंगा ना नेक्स्ट उसमें पेज पे, तो मैं आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से चीज़ें ज्यूम कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरे एक वर्किंग एग्जाम्पल जो मैंने खुद सॉल्व किया है वो करके दिखाऊंगा, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें। सही, अच्छा इसके बाद जो आखिरी स्टेप है जो हमें बेसिकली आर आउट और सी आउट, आर आउट क्या था लोड रेजिस्टर, और सी आउट जो उसके साथ में मेरे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ था उसकी वैल्यू निकालनी है। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ बेसिकली टोटल, बेसिकली हमने ये बताया कि जब मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ रहा था कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, तो एक सर्टन रेंज के अंदर मेरा एम्पलीफायर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था और बेहतरीन गेन प्रोवाइड कर रहा था। सही, अगर फ्रीक्वेंसी उस थोड़ी सी और कम करता या फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ाता तो मेरे पास जो है वो गेन जो है वो बहुत ख़राब हो रहा था। तो जिस रेंज में मेरा गेन बेहतरीन आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी एफ एच माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी एफ एल। अब मुझे बैंडविड्थ निकालनी है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, 1/2π into tau। टाओ क्या होता है, आर आउट इंटू सी आउट। सही, तो पहला काम ही करना है आपको कि आपने अपनी बैंडविड्थ जो है वो, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ आएगा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब आ जाएं, अब हम बेसिकली एक पूरा वर्किंग एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं जहाँ पर इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और सारी की सारी कैलकुलेशन आपके सामने करेंगे। जस्ट टू रिवाइज, ये मेरे पास आर वन है, ये मेरे पास आर टू है, ये आर सी है, ये आर ई है, ये सी वन है, ये सी ई है, ये सी आउट है, और ये आर एल है, और ये इनपुट वोल्टेज है वी एन, और ये वी आउट। सही, अब आ जाएं इसकी तरफ। अब मैंने सारे के सारे स्टेप्स आपके सामने सॉल्व किए हैं, तो अब आपको मैं स्टेप्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अज्यूम मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अज्यूम ये किया हुआ है
कि मैंने बीटा जो है वो कितना लिया हुआ है, बीटा मैंने अज्यूम किया हुआ है कि इट इज़ 100, वीसीसी कितना है 20 वोल्ट्स, आईसी कितना है, आईसी मेरे पास है 5 मिली एम्पियर। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है डिटर्मिनिंग आरसी। पहले स्टेप के अंदर मुझे आरसी निकालना है। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी है वो किसके बराबर है, वीसी डिवाइड बाय 2 या हाफ ऑफ वीसीसी। वीसीसी मैंने कितना लिया भाई, 20 वोल्ट्स, इसका आधा कितना होगा 10 वोल्ट्स, तो मेरे पास वीआरसी आ गया 10 वोल्ट्स। अब मुझे निकालना है आरसी। आरसी क्या होता है, वीआरसी अपॉन आईसी। वीआरसी कितना आया 10 वोल्ट्स और आईसी मैंने कितना अज्यूम किया हुआ है 5 मिली एम्पियर, तो मेरे पास आरसी आ गया 2 किलो ओम्स। पहले स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पर ये निकाल लिया, मेरे पास आरसी आ गया 2 किलो ओम्स, सही। ये कौन है, कब है क्लास, अच्छा। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे निकालना है आई बी और आई ई। मुझे माइक बंद करना है अपना प्लीज। अब मुझे निकालना है आई बी और आई ई। बीटा मुझे पता है मैंने कितना अज्यूम किया हुआ था 100, आई सी मुझे पता है कितनी थी 5 मिली एम्पियर, तो मैंने यहाँ से आई बी निकाल लिया 50 माइक्रो एम्पियर, सही। तो मेरे पास आई बी आई बी भी आ गया। जब आई बी आ गया और आई सी पता है तो क्या मैं आई ई निकाल सकता, तो मेरे पास आई ई भी आ गया 5.05 मिली एम्पियर, सही। इस स्टेप तक किसी को कोई मसला है, पहले स्टेप में क्या निकाला आर सी, दूसरे स्टेप में क्या निकाला आई बी और आई ई। इस स्टेप तक सबको सबको चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही तो पूछ ले मुझसे अभी, ठीक है, ओके गुड। हम लोगों ने आर सी भी निकाल लिया और आर सी के साथ हम लोगों ने आई ई और आई बी भी निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है आर ई एंड वी ई। वी आर ई हमने कितना अज्यूम किया हुआ था 0.6 वोल्ट्स, और वी बी हमें पता है कितना होता है 0.7। अच्छा, अब मुझे आर ई निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालनी है, तो वी अपॉन आई, कौन सा वी और कौन सा आई, वी आर ई और आई ई। वी आर ई कितना था 0.6 वोल्ट्स, आई ई कितना था 5.05 मिली एम्पियर, तो मेरे पास आर ई आ गया 118.8 या 120 ओम्स भी कह सकते हैं इसको, सही। तो आर सी भी निकाल लिया, आर ई भी निकाल लिया। अब मुझे निकालना है वी बी, तो वी बी मेरे पास वही आ रहा है 1.3 जो जिस तरीके से मैंने पहले निकाला था, आगे बात समझ। अब जो हमारा मेन स्टेप है, जो जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, अब वो उस वी टी को आप कितना रखेंगे 25 मिली वोल्ट्स। मैंने बेसिकली जिस तरीके से किया था तो उसमें आपके पास आंसर सही नहीं आ रहा होगा, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, सही। एक मिनट हो गया। पहले स्टेप में क्या किया, मैंने निकाला आर पाए। अब आर पाए क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत अज्यूम किया हुआ, तो मैं इसको ज़रा वापस यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक मिनट, दिस वैल्यू एज 25 मिली वोल्ट, सही है। इसको आप कितना रखेंगे 25 मिली वोल्ट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप 25 मिली वोल्ट रखें। मैं इसको एक दफ़ा कन्फर्म भी कर लूँगा आपकी मिस से, ताकि वो चीज़ जो है वो कन्फ्यूज़ ना करे फिर आपको, ठीक है। बट ये कि अभी आप लोग, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये चीज की हुई है, तो इसको फिर आप ऐसे ही रखिएगा, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कीप दिस वैल्यू एज 25 मिली वोल्ट्स। और जब मैंने इस लिहाज से वैल्यू कैलकुलेट की तो मेरे पास आर पाई कितना आ रहा है, आर पाई मेरे पास आ रहा है 500। अब मैं इससे क्या निकालूंगा, इससे मैं निकाल रहा हूँ आर आई बी डी सी। तो आर आई बी डी सी मेरे पास 26 किलो ओम्स नहीं आ रहा, अब कुछ और आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 500 प्लस, जी बिल्कुल मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं लें आप। 500 प्लस 101 इंटू 118.8, तो ये मेरे पास आ रही है 12.5 किलो आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12.5
किलो, सही है। अच्छा इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, इसके बाद मैं निकालूंगा आर इन, मुझे पता है 4 किलो ओम्स जो मैंने अज्यूम की हुई थी। आर इन बराबर है आर बी बी पैरेलल विद आर आई बी डी सी, सही। तो मेरे पास आर आई बी कितना आया होता, 12.5 किलो, आर इन मुझे पता है 4 किलो, तो यहाँ से मैं आर बी भी निकालूंगा, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना आया, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, इसको मैं निकाल लूँगा तो कितना आएगा, मुझे ज़रा कैलकुलेट करने दें, तो आप लोग भी अपने पास ज़रा जब तक स्टेप्स को समझ लें जब तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 12.5 किलो इंटू एक्स अपॉन 12.5 किलो प्लस एक्स जो बराबर है वो बराबर है 4 किलो ओम्स के, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली 12.5 × 10³ माइनस 4 × 10³, ठीक है। और ये हो गया 12.5 × 3 इंटू 4 × 10³ डिवाइडेड बाई आंसर, ये आ गया मेरे पास 5.88 किलो, ठीक है। तो मेरे पास आर इन कितना आ रहा है, सॉरी आर ई बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5.88 किलो। ये भी हो गया। अब मैंने यहाँ से क्या निकालना है, अब मैंने निकालना है, सॉरी इसको मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, इसको मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे, सॉरी आर बी बी यहाँ पे आ रहे हैं, कितना आ रहा है 5.88 किलो ओम्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे निकालना है बी बी बी, तो वो कैसे आएगा, आएगा आई बी मल्टीप्लाई बाय आर बी बी प्लस वी बी, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 50 माइक्रो से प्लस 1.3, तो ये मेरे पास आ रहा है 1.5 तकरीबन, ये करीब करीब ही आ रहा है, ये आ रहा है 1.594 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे निकालना है आर टू और आर वन, तो अब यहाँ से मैं आर टू और आर वन एक चीज़ को अज्यूम करूँगा, मैंने आर वन 10 किलो अज्यूम किया हुआ है और इससे मैंने आर टू निकाल लिया, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अब आ जाएं साइजिंग द कपलिंग कैपेसिटर, जेड सी इतना हमें बता दिया कि आपको 1 ओम्स रखनी है, फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी रखी हुई है 10 किलो ओम्स, तो मैंने यहाँ से निकाल लिया सी वन, सी वन कितना आ रहा है, सी वन मेरे पास आ रहा है 16 माइक्रो फैरेड्स, और सी ई कितना होगा 10 गुना बड़ा होगा इससे, तो कितना आ गया 160 माइक्रो फैरेड्स, तो सी वन भी आ गया और बाईपास कैपेसिटर सी ई भी आ गया, सही दोनों चीज़ें आ गई। स्टेप सिक्स जो है जहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि आपका बैंडविड्थ कितनी है, तो मैंने इससे भी एग्जाम्पल लिया है और मैंने बैंडविड्थ कह दिया कि बैंडविड्थ मेरे पास 10 किलोहर्ट्ज़ आ रही है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, बैंडविड्थ से मैंने टाउ निकाल लिया, तो टाउ मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 16 माइक्रो सेकेंड्स, 16 माइक्रो कैसे निकाला, देखें फ्रीक्वेंसी किसके बराबर थी, बैंडविड्थ बराबर है 1/2π × टाउ, बैंडविड्थ मैंने रखी 10 किलोहर्ट्ज़ अभी अज्यूम की हुई है, ठीक है। और अभी बैंडविड्थ आप कैसे रखेंगे, बैंडविड्थ आप इस तरीके से रखेंगे कि जो प्रीवियस स्टेप के अंदर आप लोगों ने बैंडविड्थ निकाली हुई है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, उस वही बैंडविड्थ आपने यहाँ पुट करनी है, मुझे वो याद नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया 10 किलोहर्ट्ज़ का। आपको जो बैंडविड्थ खुद अज्यूम नहीं करनी, बेसिकली जो आप लोगों ने प्रीवियस लैब के अंदर जो काम किया होगा लैब सेवन के अंदर जो बैंडविड्थ आ रही है वही यहाँ पर प्लेस करनी है, उससे आपके पास क्या आ गया, उसके पास आपके उसके ज़रिए आपके पास आ गया टाउ। अब टाउ किसके बराबर है, टाउ बराबर है आर आउट इंटू सी आउट। अब किसी एक चीज़ को अज्यूम कर ले, मैंने अज्यूम ये किया कि आपने आर आउट ले लिया 100 ओम्स, आर आउट 100 ओम्स लिया और टाउ मुझे पता है इससे मैंने क्या निकाल लिया सी आउट। तो इस तरीके से मेरा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की सारी के सारी वैल्यूज या सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो मैंने डिज़ाइन कर लिया। इसके बाद जब आपने ये सारा काम कर लिया फिर आपको मल्टीसिम के ऊपर जाके ये इम्प्लीमेंट करके चेक करना है कि आया मेरा इनपुट वोल्टेज को जब मैं दे रहा हूँ उसको फ्रीक्वेंसी के लिहाज से तो क्या मेरा आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इन्वर्टेड आ रही है, क्या उसके अंदर एम्पलीफिकेशन हो रही है। तो ये आपका लैब का टास्क है, लैब का टास्क ये है कि आपको सारे के सारे कैलकुलेशन स्टेप वाइज करनी है, वेरीफाई करनी है मुझे, उसके बाद उन कैलकुलेशन को आपने सर्किट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मुझे आपने उस सर्किट को चला के दिखाना है। अब आपके पास कोई भी सवाल है तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में पूछें कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं है, ये स्टेप समझ नहीं आया,
तो अब मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने शुरू करूंगा, सही है? तो अब मैं सवाल जवाब पे आ रहा हूँ। बिल्कुल, देखें हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक मेरे पास है आर इन। आर इन तो बेसिकली क्या है, जो आर आर इन डी सी ना, वो बेसिकली आपके जो ट्रांजिस्टर है उसकी इनपुट इम्पीडेंस है, सही? अब वो हमें पता है कि इनपुट इम्पीडेंस, क्योंकि मुझे बेस करंट को फ्लो करवाना है, तो वो मुझे 5 किलो ओम्स के अंदर अंदर रखनी पड़ेगी, सही है? तो वो मैंने अराउंड 4 किलो ओम्स रखी हुई है। आर आई बी, आर आई बी एज यू सेड के इज इट द सिग्नल सोर्स ही रेजिस्टेंस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बेसिकली सिग्नल सोर्स की ही रेजिस्टेंस होती है आर आई बी, ठीक है? और क्योंकि मुझे एक रेजिस्टेंस, अच्छा, हाँ ये अच्छा इन्होंने सवाल किया, देखें, वेरी गुड। अब इस सवाल का मैं जवाब आपको एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम के जरिए, इधर आ जाए। इस सर्किट के अंदर मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं, C1, CE और Cout। जो C1 कैपेसिटर है उसका काम क्या है, वो बेसिकली बाईपास कैपेसिटर है। क्यों? क्योंकि ये AC और DC वोल्टेज जो ऊपर से आ रहा है उसको मिक्स करने से प्रोवेंट कर रहा है। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, VCC, यहाँ से क्या आ रहा है, VN। तो इस जंक्शन पे क्या होगा, दोनों सुपर इम्पोज जाएंगे। उस सुपर इम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, एक बाय सॉरी कपलिंग कैपेसिटर लगा है, बाईपास नहीं, अभी बाईपास का लफ्ज नहीं आएगा, अभी क्या आएगा, कपलिंग कैपेसिटर। इसी तरीके से मेरे पास जो सी आउट है, सी आउट इज ऑल्सो अ कपलिंग कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि देखें इसके बिल्कुल ऊपर क्या आया हुआ है, VCC, और आउटपुट क्या आ रहा होगा, AC। तो ये DC और AC को आपस में मर्ज ना हो, इसलिए मेरे पास दो कपलिंग कैपेसिटर है, सी आउट और C1। बाईपास कैपेसिटर हम कह रहे हैं CE को, क्यों? देखिए मैंने आपको बताया कि RE, जहाँ RE के देखें दो, एक नुकसान है एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, ये बेसिकली आपको एक मुस्तकिल एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है कि आया आपका ट्रांजिस्टर परफेक्टली बायस हुआ या नहीं हुआ, बट ये ओवरऑल वोल्टेज गेन को भी कम करता है, क्योंकि जितना रेजिस्टर ज़्यादा लगेंगे उतना वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता जाएगा। तो होता ये है कि मेरे पास बाईपास कैपेसिटर CE का काम ही होता है कि ये करंट को एक अल्टरनेट लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। आ रही बात समझ? क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम काम कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास इम्पीडेंस जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो कम आ रही है। तो वो पाथ क्या है, वो पाथ शॉर्ट हो गया। जो पाथ शॉर्ट हो गया उस पाथ की रेजिस्टेंस कम होती है। तो बेसिकली ये करंट को यहाँ से पास नहीं करवा रहा, यहाँ से पास करवा रहा है, तभी इट इज कॉल्ड अ बाईपास कैपेसिटर। तो CE मेरे पास बाईपास कैपेसिटर है, C1 और Cout मेरे पास कपलिंग कैपेसिटर है। आई होप आरएफ आपको क्लियर हो गया होगा। अब कोई और सवाल है तो पूछ लें। किसी और को कोई सवाल है, कोई स्टूडेंट्स जिनको कुछ जो समझ नहीं आया, टास्क में आपको जाने से पहले एक और दफ़ा समझाऊंगा कि आपको करना किस तरीके से है, ठीक है? मैंने वैसे ये टास्क आपके साथ आपके लिए यहाँ पे किया हुआ भी है, अगर गौर से देखें तो मैंने LT Spice के बारे पूरा सर्किट जो है आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, सही है? ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है NPN, ये मेरे पास जो मैंने वैल्यूज़ ली थी उस लिहाज से वो हैं, ये C1 है। देखें बाईपास कैपेसिटर जो होता है ना, बेसिकली ग्राउंड नहीं कर रहा, वो जो भी आपके पास करंट, देखें इधर समझ लेते हैं, जो वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला मैंने आपको भी इसमें दिखाया था, कहाँ गया वो, ऊपर था ना इसका फॉर्मूला, एक मिनट, ये क्या था, बराबर है β RC/RB। इसका मतलब ये कि वोल्टेज गेन के अंदर मेरे पास बीटा भी आ रहा है और मेरे पास RC और RV भी आ रहा है। बीटा क्या है, बीटा है IC/IB, IC की जगह मैं IE भी लिख सकता हूँ, क्योंकि IC और IE बराबर है, समझ आ रही है? जितना IE या जितना आउटपुट करंट ज़्यादा होगा उतना मेरे पास बीटा ज़्यादा होगा, उतना वोल्टेज गेन ज़्यादा होगा,
बात समझ आई? अब आईई को इंक्रीज करना है तो रास्ते में जितने हर्डल्स आ रहे हैं या जितनी रुकावटें आ रही हैं उनको मुझे कम करना है, समझ आ रही बात? तो रुकावटें कम करने के लिए मैंने लगाया हुआ एक बाईपास कैपेसिटर। ऑब्वियस सी बात है कि डीसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस हो गई। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एसी के लिए होता है क्योंकि एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो 1/2πfc काम करेगा और xc जो है एक सर्टन वैल्यू होगी। क्योंकि अगर मैं डीसी सर्किट की बात करूँ तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज जीरो तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी का मतलब है ओपन पाथ। तो मुझे पाथ को ओपन नहीं करना मेरे भाई, मुझे पाथ को क्लोज करना है, शॉर्ट करना है। सही, कोई और सवाल किसी का? इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लें। खवातीन को सब कुछ क्लियर है? कॉल की क्वालिटी वगैरह सब सही थी? ये कॉल मैं LMS पे भी अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डेड, ताकि आप लोगों को बाद में रिकॉर्डिंग देखने में आसानी हो। सही है। अच्छा, वैल्यूज़ बेटा इस तरीके से अज्यूम किए हैं, ये देखें होता ये है कि जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, सो सब चीज़ें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुछ हमारे अपने एक्सपीरियंस से भी चीज़ें आती हैं कि हमें पता हो कि भाई हमें IC कितना रखना है या हमें VCC कितना रखना है। तो कुछ चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस से, लर्निंग से, कुछ चीज़ें हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। सही समझ आ रही है? तो हो ही रहा है कि जो चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते थे, सारी की सारी रेजिस्टेंस, सारी की सारी कैपेसिटेंस हमने निकाली हैं, कैलकुलेट की हैं, बट उसको सपोर्ट करने के लिए जो वोल्टेजेस हैं, जो VCC है, जो IC है, वो हमने खुद अज्यूम किया है, क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं जहाँ पर मेरा काम सही हो रहा होता है, ऑप्टिमम सर्किट की परफॉर्मेंस होती है यहाँ पर। तभी कुछ कैलकुलेशन, कुछ वैल्यूज हमने कैलकुलेशन के जरिए हेल्प किए और कुछ चीज़ें जो हैं हमने हमने कैलकुलेट की हुई। आई बात समझ? फैजान क्लियर है? ठीक है, अच्छा ठीक है। टी आउट बता देता हूँ मैं। टी आउट इज नथिंग बट टाओ। टाओ क्या होता है? टाओ बेसिकली होता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के फॉर्मूला क्या होता है? आर मल्टीप्लाई बाय सी, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। बट कौन सी रेजिस्टेंस और कौन सी कैपेसिटेंस, वो आएगी मेरे पास आर आउट और सी आउट। आर आउट और सी आउट कौन से हैं? सर्किट में जाएं, ये मेरे पास आर आउट जो है बेसिकली आर एल है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आर आउट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास टाओ आ रहा होगा। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको ये कहा कि आपको जो बैंडविड्थ रखनी है, बैंडविड्थ किस में होती है, हर्ट्ज में होती है, वो बैंडविड्थ आपने जो लैब नंबर 7 ने बैंडविड्थ निकाली है वही यहाँ पर प्लेस करनी है। वो यहाँ पर प्लेस की तो फॉर्मूला क्या है, 1/2π into tau। तो मैंने यहाँ से टाओ निकाल लिया, तो टाओ मेरे पास फर्ज कह रहे हैं आ रहे हैं 16 माइक्रो सेकेंड्स। सही। अब टाओ बराबर है आर इंटू सी के। अब मैंने अज्यूम किया कि मैंने आर को ले लिया 100 ओम्स, तो टाओ पता है, आर पता है, तो आपने क्या निकाल लिया, सी। वैसे आर को हम कम नहीं रखते, आर को हम ज़्यादा रखते हैं, तो आप इसको 1 किलो ओम्स कन्वर्ट भी रख सकते हैं, 1 किलो ओम्स उस लिहाज से आप अपना कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो दिस इज टाओ एंड दिस इज हाउ आई कैलकुलेट आर आउट एंड सी आउट यूजिंग टाओ एंड यूजिंग द बैंडविड्थ दैट आई have already calculated in lab number 7. सही। हाँ जी, बस ये एक ही टास्क है यासिर, एक ही टास्क है, इसके कैलकुलेशंस करनी है। इस कैलकुलेशन के लिहाज से जो हमारे पास सर्किट आएगा, सॉरी वैल्यूज आएंगी, उस लिहाज से हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है सॉफ्टवेयर के ऊपर और फिर इसको सिमुलेट करना है। सही? और कोई सवाल है तो पूछ लें।
अच्छा इसी वीक के अंदर मैं आपकी एक और लैब लूँगा, सही है, इसी वीक के अंदर हमारी एक और लैब होगी, वो इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं लूँगा आफ्टर नमाज, सही। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा हम पीछे चले गए तो हमें कवर अप जल्दी जल्दी करना है। तो मैं हर वीक में दो लैब्स दिया करूँगा आप लोगों की। तो अब आपकी नेक्स्ट लैब जो होगी वो मैं भी लेता हूँ अटेंडेंस, वो आपकी नेक्स्ट लैब जो है इंशाल्लाह फ्राइडे को नमाज के बाद 3 बजे तक मैं आपकी दूसरी लैब लूँगा। जो अवेलेबल हैं वो आ जाएँ, जो अवेलेबल नहीं है वो फिर उनका मसला नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। बट ये कि आउट ऑफ 38 स्टूडेंट्स अगर 22 आ रहे हैं तो फिर मैं सबको आप प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा, जो क्लास के अंदर प्रेजेंट है सिर्फ उसकी अटेंडेंस लगेगी, जो नहीं है उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अभी किसी को कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। ये 3-4 लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, इनकी क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या कह रहे हैं। सर सर आतिफ कह रहे हैं कि डायरेक्ट फ्रॉम हो गया, अच्छा ठीक है, बस हाँ आप लोग ठीक है, आप लोग बस ये कि अटेंडेंस लगाएं और फिर जा सकते हैं, ठीक है। और ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कर देगी, सब चीज़ें LMS पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, सही है। अब जिसको जाना है अटेंडेंस लगाए और जा सकता है। क्लास इज ऑफिशियली ओवर। ठीक है, तो इंशाल्लाह भी ये कि आपके फ्राइडे को मैं एक और क्लास लूँगा 3 बजे, तो अवेलेबल सब हो जाएगा क्योंकि हमें लैब्स कवर करनी है, ठीक है। तो ये कि अब हम डबल डबल लैब्स इंशाल्लाह वीक में ही लिया करेंगे आपकी। और जिसको जो मसला है कुछ कैलकुलेशन वगैरह में तो वो मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं स्काइप पर अवेलेबल होता हूँ तो स्काइप पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक CR तो मेरा आरिफ है, दूसरा CR मैं सोच रहा हूँ उस्मान आपको बना दूँ, ठीक है। तो मैं दोनों को फिर इंस्ट्रक्शन जो है वो दे दूँगा किस तरीके से लैब जमा करनी है और क्या करना है, ठीक है उस्मान। एक CR मेरा आरिफ को मैंने बनाया हुआ है, एक दूसरे को मैं आपको बना दूँगा। जो भी क्लास की टाइमिंग्स हैं, जो भी क्लास होनी है अगर वो मैं आपको और आरिफ को दोनों को मैं कह दूँगा, फिर आप लोग जो है वो अपने क्लास फेलो को बता दिए करें, ठीक है। क्योंकि अभी भी अटेंडेंस जो है 50% है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अटेंडेंस तकरीबन पूरी हो ताकि ये कि जो मिस कर रहे हैं उनका बाद में मसला ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये कि फ्राइडे को हम लोग मुलाकात करते हैं, ओके।
अल्लाह हाफिज़।